हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के चार स्टॉक के बारे में, यानी कि IRFC, ISCTC, इरकॉन इंटरनेशनल और RVNL। और मैं आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई करूंगा कि इन चारों में से इस टाइम पर कौन से स्टॉक पे बैट लगाई जा सकती है और रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के स्टॉक्स में कॉन्टिन्यूसली गिरावट है, और यहाँ से जब बजट की बाद अनाउंसमेंट हुए थे बहुत सारे, तो चांसेस थे कि एक बड़ी रैली आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है, कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करेंगे IRCTC से, यानी कि अगर आप देखोगे तो बेहतरीन स्टॉक है, यानी कि रेलवे सेक्टर का। पहले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे वो ISCTC में ही मिलते थे। आज के टाइम पे 620 623 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में, आपको 12.5-13% के नेगेटिव रिटर्न्स इसने अभी तक बना के दिए हैं, यानी कि हालत इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। चाहे शॉर्ट टर्म या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएँ तो हालत थोड़ी सी ख़राब ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खिलाड़ी रहा है अभी तक। पिछले 5 साल में 300% तक के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन एक टाइम पे पिछले 5 साल के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, 400 500 600% तक के भी गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2021 14 अक्टूबर से लेके अभी तक आधे दामों तक ट्रेड कर रहा है, ये समझ के चलो 40-41% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि एक टाइम पे आपको 1200-1300 तक, स्प्लिट के बाद की बात कर रहा हूँ, 1200-1300 तक भी ट्रेड करते हुए नज़र आता था, लेकिन उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली गिरावट है। आज के टाइम पे 623 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो चीज़ें क्या निकल के आई हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। इसमें आज के दिन अगर आप देखते हो तो लास्ट डेट थी डिविडेंड के लिए, यानी कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एक्स डेट थी वो थी 22 फरवरी, यानी कि आज की दिन की आज को जो डेट देखने को मिल रही है। और अमूमन क्या होता है कि जब भी एक्स डेट होती है उस दिन पर काफ़ी ज़्यादा आपको जो अप्स एंड डाउन्स है वो देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो शेयर है वो डाउन साइड में जाता है, और आज के दिन भी ऐसे ही देखने को आपको मिला। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि कंपनी ने आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया, ₹3.50 पर शेयर का, जबकि हालत जो कंपनी की है उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आती है। अब अगर आप यहाँ पे एक अपडेट पर देखते हो तो बताया गया है कि जो ब्रेंट ऑयल लोअर एमिड स्ट्रॉन्गर डॉलर कॉशन अहेड ऑफ दी फेड मिनट्स, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व की तरफ से एक बारी फिर से मीटिंग होने वाली है, और उसमें चांसेस हैं कि फिर से रेट हाइक्स हो सकती है, और रेट हाइक होगी तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि लोग डेट की तरफ फिर ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो ओवरऑल क्रूड ऑयल वगैरह है उनके प्राइसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट में देखते हो तो डेफिनेटली एक गिरावट का ही माहौल बना हुआ, और ये सिनेरियो जो है वो काफ़ी टाइम से बना हुआ है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ISCTC के लिए एक अच्छी अपडेट भी निकल के आई थी, यानी कि अगर आप देखोगे तो बताया गया था कि रेलवेज ने करीबन अपने जो टिकट कैंसिलेशन अर्निंग है उसमें कम से कम 32% का जो ग्रोथ है वो दिखा है। अब 32% की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे टिकट कैंसिल हुई है तो जो डेफिनेटली रेलवे के लिए घाटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पहले रेवेन्यू आता था 1660 करोड़ 2021 में आया था, वो कि बढ़ के हो गया 2184 करोड़, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे रफली देखें तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 7 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो अर्न किया जाता है इंडियन रेलवेज की तरफ से टिकट कैंसिलेशन में। और अगर आप देखोगे जो टिकट कैंसिलेशन चार्ज होते हैं और जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से यहाँ से जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो ये होगी बात यहाँ पे ISCTC की। कोई बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट हाल फिलहाल में एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको निवेश करना है और ठीक ठाक से रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो फिर डेफिनेटली ISCTC एक आपके लिए कॉल हो सकती है।
अब बात कर लें यहाँ पे IRFC के बारे में, जो कि रेलवे सेक्टर का दूसरा बेहतरीन स्टॉक निकल के आता है। 28 रुपये के आसपास मार्केट में आपको ट्रेड करते हुए नज़र आता है। आज के दिन भी गिरावट वाले माहौल देखने को मिला था, लेकिन पिछले 6 महीने में 33-34% के रिटर्न अभी भी नज़र आ रहे हैं। एक टाइम पर रैली बनी हुई थी, 37 रुपये तक भी गया था, तब लग रहा था कि शेयर बहुत ही जल्दी 50 रुपये के टारगेट हिट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसमें भी अगर हम देखें, दिसंबर 2022 से लेके अभी तक 22% तक की गिरावट हो चुकी है। बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी इसमें हो चुकी है जब पीक बना था उसके बाद से। अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो OFS के चांसेस थे वो यहाँ पे कैंसिल होते हुए नज़र आए, क्योंकि अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल निकला है कि वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी IRFC में, यानी कि फाइनेंशियल 2024 के एंड तक 11% का जो स्टेक है वो अपना कम कर देंगे एज अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये एक बहुत अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटजी मानी जा सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो OFS आता तो डेफिनेटली जो शेयर में गिरावट चल रही है तो और ज़्यादा गिरावट हो जाती है, लोग और ज़्यादा पैनिक होते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, और उसकी वजह से जो शेयर है वो और ज़्यादा नीचे जा सकता था, यानी कि अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा सकता था। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ निकल के आती है, या फिर ये जो 11% का स्टेक है वो DIIs को दिया जाएगा या फिर FIIs को दिया जाएगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। अब यहाँ पर जो गिरावट का माहौल बना हुआ है वो IRFC में मेनली अगर आप देखो तो Q3 के बाद से बना हुआ है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि IRFC एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो इस बारी दे देगा, साथ के साथ जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आएंगे। लेकिन दोनों ही चीज़ों में आपको निराशा ही देखने को मिली, ना तो नंबर्स इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आए जिससे हम बोले कि एक बड़ा मूवमेंट बन जाए, और ना ही यहाँ पर जो कंपनी है उसने डिविडेंड दिया है। और चांसेस ये हैं कि Q4 में शायद आपको डिविडेंड मिल जाए, लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वो भी शायद आपको ना मिले, यानी कि अभी डिविडेंड के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे का गिरावट का रीज़न जो है वो यही है, और कोई बहुत बड़ा रीज़न तो यहाँ पर नज़र नहीं आता है। लेकिन 26 रुपये तक का जो इसका सपोर्ट लेवल है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे, यानी कि 27-28 के बीच में आप एवरेजिंग कर सकते हो, एक्यूमुलेशन कर सकते हो। बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है RBNL। इस पर्टिकुलर सेक्टर का सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो 62-63 पर ये ट्रेड करते हुए नज़र आता है, और पिछले 6 महीने में जहाँ पे 135-133% के रिटर्न्स नज़र आ रहे थे, आज के टाइम पे ये केवल 100% से ज़्यादा के थोड़े से नज़र आते हैं। वहीं अगर हम बात करें 13 जनवरी से लेकर अभी तक, यानी कि केवल एक ही महीना हुआ है, उसमें ही 21% तक की गिरावट आपको इसमें देखने को मिली है, यानी कि एक अच्छे खासे लेवल पे बाइंग रेंज पे ये शेयर आ चुका है। अब RBNL के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आई है कि RBNL जो है उसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो कॉन्टीन्यूसली गिरावट हो रही है तो क्या वो मार्केट की वजह से हो रही है या फिर और कुछ रीजंस हैं? तो डेफिनेटली इसमें अगर आप देखोगे तो RBNL का कुछ भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट भी काफ़ी बड़े टारगेट्स दे रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हो रही है जैसे क्रूड ऑयल वगैरह, या फिर ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो नेगेटिव साइड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर आपको एक ऐसे स्टॉक में निवेश करना है जो कि बहुत जल्दी आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे दे लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो, तो RBNL आपके लिए एक अच्छी कॉल हो सकती है। अब वो लास्ट स्टॉक के बारे में बात करें, वो निकल के आते इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले 6 महीने में ठीक ठाक से रिटर्न्स हैं, और इसमें कोई भारी गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिली है। तो चारों स्टॉक में से अगर आप देखते हो यही ऐसा स्टॉक है जिसमें कोई भी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इन चारों में से तीन को कंसिडर कर सकते हो स्टार्टिंग। एयरकॉन में इतना ज़्यादा कोई पोटेंशियल हाल फिलहाल में नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं वो IRFC और RBNL के लिए निकल के आ रहे हैं, तो वो आपकी टोटली कॉल है कि आपको किस में निवेश करना है, लेकिन हाल फिलहाल में एयरकॉन इंटरनेशनल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी चारों से रिलेटेड जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।